हेलो, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम लोगों के साथ में काम करते हैं, वो ऑफिस में रहो या दोस्तों के साथ में रहो या अपने घर में रहो, तो वो स्मूथली बिना कुछ झंझट का काम कैसे होना चाहिए, कैसे होगा, उसके बारे में मैं आपको कुछ चंद चीजें बताने वाला हूं। तो उसमें एक मंत्र है। मंत्र ये है कि जिसका उसने जप का तप, जहां का वहां और जैसे को वैसा। यदि हम इस तरह से बर्ताव करते हैं तो ना घर में प्रॉब्लम आएगा ना लोगों के साथ में काम करने में प्रॉब्लम आएगा। अब जिसका उसने, इसका मतलब क्या है कि जिसका उसने मतलब जो व्यक्ति ने काम करना चाहिए और जो जिसका काम है उसने उसका काम करना चाहिए। समझो हम घर में हैं तो समझो काम हमने बांट दिए है, तो जिसका उसने काम करना चाहिए तो घर में प्रॉब्लम होंगे नहीं। जिसका उसने, तो जब का तप, जो समय पे करना चाहिए वही समय पे वो काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाना खाना हो गया और अभी बर्तन धोने के हैं वो बर्तन शाम को धोएंगे, ऐसा नहीं है। खाना खाने के बाद में बर्तन धोने के हैं तो खाना खाने के बाद में बर्तन धोने के, जिसने बर्तन धोने के तो उसने बर्तन धोने के है। तो जब का तप, फिर जहां का वहां, जो चीज के लिए जो जगह बनी हुई है वो चीज वहां रखने की है। जहां चीज जिसके लिए बनी है, मतलब जो जो जगह जिसके लिए बनी है वहां पूरे वो रखने की है। समझो कि कार की चाबी है, एक कार है, घर में तीन वापरने वाले हैं, वो चाबी जो रखने की चीज है वो वहां की वहीं चाबी रखना चाहिए। या घर में किचन में है, रसोई में चीजें जहां की वहां रखे तो कोई भी काम कर सकता है। घर में बाकी भी चीजें जो है वो जहां की वहीं हम रखते हैं तो प्रॉब्लम आएगा नहीं। और फिर जैसा करना चाहिए वैसा, जैसे का वैसा, जैसे का वैसा। इसका मतलब यह है कि जैसा करना चाहिए, जिस तरह से वो काम करना चाहिए, परफेक्शन से काम करना चाहिए, अति उत्तम काम करना चाहिए या सर्वोत्तम काम करना चाहिए, जितना बढ़िया काम कर सकते हैं जैसा करना चाहिए वैसा करना है। वहां कोई कटिंग कॉर्नर नहीं करना, काट पीट नहीं करना, काट छाट नहीं करना और कुछ शॉर्टकट नहीं मारने का है। इसका मतलब यह है कि जिसका उसने, जब का तब, जहां का वहां और जैसे को वैसा। यदि हम इस तरह का बर्ताव करते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिसका उसने, जब का तब, जहां का वहां और जैसा जैसे को वैसा, इस तरह से हम काम करते हैं तो काफी सारी उलझनें, काफी सारी झंझटें घर में खत्म हो जाएगी और एक अच्छा माहौल घर में बन सकता है। काम भी अच्छा हो जाएगा, काम कंप्लीट अच्छा पूर्ण हो जाएगा और स्मूथली हो जाएगा, उससे रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। इसमें मराठी में इसको मैं कन्वर्ट करूं तो इसमें बोलते हैं कि जैचे तैने जेठल्या तिथे जेवाचा तेवा जसेचा तसे। फिर से रिपीट करता हूं, जैचे तैने जेठल्या तिथे जेवाचा तेवा जसेचा तसे। जैचे तैने मतलब जिसका जिसने करना चाहिए उसने करना चाहिए, जिथल्या तिथे इसका मतलब जहां करना चाहिए वहीं करना, जगह बताई हुई है। जितल्या तिथे जेवा जाते हैं मतलब जो समय पे करना चाहिए वो समय पे करना है, जो हमने शब्द दिया है कि ये शब्द कि मैं ये समय पे ये काम करूंगा तो वो करने का है। और जैसे चाह तसे मतलब जैसा करना चाहिए वैसा, जसो मतलब तसो। तो इस तरह का ये काम हम करते हैं तो काफ़ी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, बेस्ट परफॉर्मेंस हो जाएगा, इंटर पर्सनल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे और एक सर्वोत्तम काम हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।